हेलो, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर, सर हाँ, देखो, कल मैं बता रहा था आपको कि एक डिस्काउंट के बारे में, तो आज मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताता हूँ। डिस्काउंट क्या होता है? बट्टा बट्टा। इसको बट्टा भी बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं, कटौती भी बोलते हैं, और वर्तमान में ये जो शब्द है बहुत प्रचलित है। आप मार्केट में कुछ भी कोई परचेज करने के लिए जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, उस पर आपको व्यापारी बोलेगा, हम आपको इसमें 10% डिस्काउंट देंगे, 15% देंगे, 20% देंगे, कोई सी वस्तु हो। और तो और आप मेडिकल पर जाते हैं तो मेडिकल वाले भी क्या मेडिसिन पर देते हैं कि हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, उसके अंदर भी होता है। तो इसमें डिस्काउंट है, यानी कि उसका जो मूल्य होता है वस्तु का, एमआरपी, उसमें कमी कर देते हैं। तो अब दिमाग में आता है कि एमआरपी के मूल्य में कमी क्यों कर दी जाती है, व्यापारी उसमें कम क्यों कर रहा है? कमी कर रहा है बिक्री ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो व्यापारी को इसमें लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु की कीमत पहले से ज्यादा होती है, उसमें क्या है, एमआरपी उसकी पहले से ज्यादा होती है, उसमें क्या थोड़ा सा पैसा कम कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि ग्राहकों के दिमाग में ये हो जाता है कि मेरे को वस्तु थोड़ी सस्ती मिल रही है, क्योंकि और कोई व्यापारी अगर आपको कोई डिस्काउंट नहीं देता है, और जो डिस्काउंट देता है आप उसी से खरीदोगे। इसलिए बहुत से व्यापारी क्या करते हैं, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से ऐसा करते हैं। अच्छा, ये जो डिस्काउंट होता है, जिसको छूट भी बोलते हैं, कई इसको रिबेट भी बोलते हैं, रिबेट का मतलब ही डिस्काउंट ही होता है। डिस्काउंट जो होता है व्यापार में, ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं वो देखिए। इसमें पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। नकद बट्टा। ये दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। एक हो क्या ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, नकद बट्टा। अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस होता है इनमें, कब दिया जाता है? तो सबसे पहले लेते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टे को। व्यापारिक जो बट्टा है, आप मार्केट में आप माल कोई खरीदने के लिए जाते हैं, और उस समय पर जो जितना भी बट्टा दिया जाता है वो सब व्यापारिक बट्टा होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यह है कि माल का विक्रय करते समय माल के विक्रय मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम कहते हैं व्यापारिक बट्टा। माल का विक्रय करते समय माल के विक्रय मूल्य पर, जैसे कोई भी वस्तु है और उस वस्तु की जो कीमत है वो है 150 रुपये। ठीक है, अब 150 रुपये हेलो, यस सर, यस सर। बातें कैसी गए हुआ? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे 150 रुपए की कोई वस्तु है, तुम दिखाई नहीं दे रहे इसलिए कह रहा था मैं। ये बोर्ड क्लियर आ रहा है तुम्हारे को, दिख रहा है यस सर। कि जैसे 150 रुपए की कोई वस्तु है,
रेट उस पर लिखी, तो ये एमआरपी कहलाता है, जिसका पूरा नाम क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य या अधिकतम कीमत होती है। तो उस वस्तु की, कोई भी वस्तु है, उस पर जो कीमत लिखी हुई रहती है वो एमआरपी होती है, अधिकतम मूल्य। अब वस्तु का जो मूल्य है 150 है, और तो इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस मूल्य पर माल का हम विक्रय करने वाले थे वो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, आप बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए गए और उस वस्तु की कीमत है 150 रुपए। ठीक है, व्यापारी ने कहा कि हम आपको इसमें 10% डिस्काउंट देंगे। व्यापारी ने कहा है कि हम आपको इसमें 10% डिस्काउंट देंगे, तो 10% डिस्काउंट है 150 रुपए का, तो 150 रुपए का 10% कितना होता है, 15 रुपए, 15 रुपए हो गया, तो 15 रुपए इसमें से लेस कर देंगे, तो कितना हो गया, 135 रुपए। यानी कि व्यापारी आपको वो वस्तु है वो कितने में सेल कर रहा है, 135 रुपए में सेल कर रहा है, 135 रुपए में सेल कर रहा है, जबकि विक्रय मूल्य उसका 150 रुपए था। ठीक है, तो मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताई थी कि माल का विक्रय करते समय माल के विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य कितना है 150, विक्रय मूल्य पर जो छूट दी जाती है उससे हम कहते हैं व्यापारिक बट्टा। तो ये 15 रुपए है, ये क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। तो 15 रुपए कम कर दिए और व्यापारी ने आपसे कितने पैसे लिए, 135 रुपए। ये 15 रुपए की जो छूट है व्यापारी के द्वारा दी गई है वो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। आपको ऐसा लगता है कि मेरे को छूट दे दी गई है, 15 रुपए कम कर दिए हैं, तो आप अपने आप में इसमें फायदा मानते हो कि मेरे को फायदा हुआ है। और व्यापारी को फायदा ये होता है कि ये डिस्काउंट देने से उसकी वस्तु क्या है, जल्दी बिक जाती है, ग्राहक उसको क्रय कर लेता है। तो अधिकांशतः जो व्यापारी है अपनी वस्तु का विक्रय बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, छूट देते हैं। अच्छा, ये छूट कई बार क्या है, 20% भी होती है, 25% भी होती है, तो इसमें व्यापारी को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि एमआरपी पहले से बढ़ा दी जाती है, पहले से ही उसकी ज्यादा होती है। व्यापारी को मालूम है कि ये वस्तु है, उसने तो 80 रुपए में खरीदी है, 80 रुपए की वस्तु, उसकी एमआरपी 150 लिखी हुई है, तो उसको लॉस कुछ नहीं हो रहा है। वो अपना 150 में बेचता तो उसको 80 रुपए की वस्तु 70 रुपए का प्रॉफिट होता, उसने 15 रुपए कम कर दिए तो फिर भी क्या, उसको 55 रुपए का फायदा हो रहा है, तो उसको लॉस तो कुछ नहीं है, उसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन थोड़ा सा कम होने से उसको दूसरा बेनिफिट हो गया, और दूसरा बेनिफिट है वो क्या हो गया कि उसकी वस्तु है ज्यादा सेल होगी, ज्यादा ग्राहक खरीदेंगे, तो उसका प्रॉफिट वैसे ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप दिन भर में जैसे मान लो कि 5,000 रुपए का माल बेचते हो और आपको प्रॉफिट है 500 रुपए का होता है, ठीक है, आप क्या है ज्यादा बेच रहे हो, 10,000 का बेच रहे हो, प्रॉफिट ये थोड़ा सा कम कर दिया तो आपका 1,000 का हो गया, तो आपने माल बेचा ज्यादा बेचा तो आपका टोटल प्रॉफिट तो फिर भी आप ज्यादा मिल रहा है आपको, तो इसमें व्यापारी को नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि ज्यादा फायदा होता है कि उसके वस्तुओं की जो सेल होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापारी के द्वारा इस प्रकार का बट्टा दिया जाता है, और ये बट्टा हमेशा माल का विक्रय करते समय दिया जाता है। जब व्यापारी के द्वारा माल का विक्रय किया जाता है उस समय पर ही यह बट्टा दिया जाता है, और किस पर दिया जाता है, माल के विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य में से कम कर दिया जाता है। ठीक है, अब व्यापारी क्या करेगा, अपनी पुस्तकों में जब एंट्री करेगा सेल की कि उसने माल बेचा कितने का बेचा, तो बेचा उसने 135 रुपए में है, कीमत तो उसको उसकी 150 थी, लेकिन बेचा उसने 135 रुपए है, तो जो सेल्स है वो तो 135 रुपए की मानी जाएगी, ये तो विक्रय मूल्य था लेकिन इस मूल्य पर तो बेचा ही नहीं है,
व्यापारी अपनी पुस्तकों में जो सेल दिखाएगा, बिक्री दिखाएगा, वो किस मूल्य पर दिखाएगा? 135 रुपए पर, न कि 150 रुपए पर, क्योंकि उसने 150 रुपए में वस्तु नहीं बेची है, बल्कि कितने में बेची है? 135 रुपए में। तो 135 रुपए से ही सेल दिखाएगा, यानी कि जितने मूल्य पर माल का विक्रय किया जाता है उसी मूल्य पर उन वस्तुओं को दिखाया जाता है। तो ये तो हो गया व्यापारिक बट्टा। व्यापारी सेल्स तो दिखा देगा 135 रुपए, और जो ये 15 रुपए की जो छूट दी है, व्यापारी अपनी पुस्तकों में उसकी कोई एंट्री नहीं करता, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखता है, बस ये कम हो गया, बस वो कम ही माना जाता है, क्योंकि सेल अब 135 रुपए की ही मानी जाएगी। तो ये तो हो गया आपके ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो आपके दूसरा, दूसरा जो है वो है आपके कैश डिस्काउंट, नकद बट्टा। अब नकद बट्टा है ये क्या होता है? नकद बट्टा ये तब दिया जाता है जब व्यापारी को ग्राहकों से पैसा लेना होता है। अब कौन सा पैसा लेना होता है? मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा जो माल बेचा जाता है ग्राहकों को, वो नकद भी बेचा जाता है और उधार भी बेचा जाता है। ठीक है, नकद और उधार दोनों बेचा जाता है। तो नकद जो माल बेचा जाता है उसमें तो व्यापारी के पास में तुरंत पैसा आ जाता है, उसमें तो समस्या होती नहीं है। लेकिन अगर व्यापारी के द्वारा उधार माल बेचा जाता है, तो मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा उधार माल बेचा जाता है, तो जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स, यानी कि देनदार। बताया था मैंने ये, जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को व्यापारी के द्वारा उधार माल बेचा जाता है वो व्यक्ति या संस्था व्यापार के देनदार यानी कि डेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपने किसी ग्राहक को, एक ग्राहक का उदाहरण ले लेते हैं कि एक ग्राहक को आपने क्या है 6,200 रुपए का माल बेचा था उधार। ठीक है, और जब माल बेचा गया था उस समय पर शर्त हुई थी कि एक महीने के बाद में वो पेमेंट करेगा, मतलब ग्राहक ने पहले बोल दिया था कि वो इसका पेमेंट है एक महीने के बाद में करेगा। आपने उसकी जो शर्त है एक्सेप्ट करके उसको 6,200 रुपए का माल बेच दिया। तो आपने 6,200 रुपए का उधार माल बेचा एक महीने के लिए, और वह व्यक्ति आपका क्या है? देनदार। आपने पुस्तकों में एंट्री कर दी, आपने लिख दिया सेल, माल बेचा, उस व्यक्ति का नाम, उसके नाम का खाता खोल दिया और 6,200 रुपए के नाम से उसका खाता खोल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस ग्राहक ने 2 दिन के बाद में ही आपको पेमेंट कर दिया। वैसे व्यापार में ऐसा होता बहुत कम है कि ग्राहक जल्दी पेमेंट कर दे, कि पेमेंट लेने के लिए उनको क्या है 2-4 बार बोलना पड़ता है तब जाकर के होता है। लेकिन इतने हजारों ग्राहकों में 1-2 ग्राहक ऐसे भी हो सकते हैं, वो सोचते हैं कि पेमेंट करना है तो वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं। तो ये एक महीने के लिए आपने उधार माल बेचा था और ग्राहक ने क्या किया, 2 दिन के बाद में ही आपको पेमेंट कर दिया कि ये लो आपका पेमेंट, ये लो पहले का हिसाब पूरा करो और अगली बार के फिर कोई सामान ले गया। आपने क्या खुश होकर के जब उसने पेमेंट किया तो आपने 200 रुपए कम कर दिए, 200 रुपए आपने लेस कर दिए, क्योंकि आपकी जो सेल्स है वो 6,200 की थी, आपका वो देनदार है वो 6,200 का था, आपने 200 रुपए कम कर दिए खुश होकर के, और आपने उससे कितना पैसा प्राप्त किया? 6,000 रुपए कैश रिसीव। आपने उससे जो पैसा प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया? 6,000 रुपए। ये 200 रुपए की आपने छूट दी है, इसी को हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। नकद बट्टा, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते समय जो छूट दी जाती है, ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते समय जो छूट दी जाती है
वो नकद बट्टा कैश डिस्काउंट कहलाता है। शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का बट्टा दिया जाता है। ग्राहकों से भुगतान जल्दी प्राप्त हो, इसको प्रोत्साहित करने के लिए ही इस प्रकार का बट्टा दिया जाता है, ठीक है। ताकि क्या है, जल्दी पेमेंट कर दिया, अगर आप उसे 6,200 रुपए लेते तो ग्राहक के दिमाग में यह बात हो जाती है कि उसने जल्दी पेमेंट किया, उसको क्या फायदा हुआ, एक महीने के बाद में पेमेंट कर देता, अगली बार जो पेमेंट है वो एक महीने के बाद में ही करेगा, वो जल्दी नहीं करेगा। लेकिन 200 रुपए की छूट देने से ग्राहक को ऐसा लगा कि देखो जल्दी पेमेंट किया तो ये फायदा हुआ, एक अच्छी उसकी गुडविल बन जाती है वहां दुकान पर, उस व्यापारिक संस्थान में, तो अगली बार भी वो कोशिश करेगा कि भुगतान है थोड़ा सा जल्दी करे, टाइम पर पेमेंट करे, टाइम पर पेमेंट करे या टाइम से पहले करे, तो उसको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये नकद बट्टा कहलाता है। तो ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते समय जो छूट दी जाती है उसे हम कहते हैं नकद बट्टा। तो शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का बट्टा दिया जाता है। व्यापारी ने जब माल बेचा था तो पहले अब उसने पुस्तकों में उस ग्राहक के नाम से खाता खोल दिया था, कितनी राशि से, 6,200 से, क्योंकि उसे 6,200 रुपए लेने थे, ये तो 200 रुपए, तो उसने क्या बाद में पैसा कम किया, पहले तो ये निश्चित नहीं था क्योंकि उसको व्यापारी को ये मालूम नहीं था कि वो जल्दी पेमेंट कर देगा। तो ग्राहक ने जल्दी पेमेंट कर दिया इसलिए ग्राहक को ये छूट दी गई, तो ये व्यापारी के लिए नुकसान है। व्यापारी इसको क्या खर्चा मान करके दिखाएगा कैश डिस्काउंट को, क्योंकि वैसे तो 6,200 लेने थे, जल्दी भुगतान करने के कारण उसने ग्राहक को खुश करने के लिए उसने थोड़ा पैसा कम कर दिया, अन्यथा तो उसको 6,200 रुपए मिलते, तो व्यापारी को उस समय क्या है थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन उससे व्यापारी को दूसरे बेनिफिट होते हैं। अब दूसरे बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि जो बड़े व्यापारिक संस्थान होते हैं उनके जो लेन देन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, बहुत से उनके ग्राहक होते हैं, और दिन भर में उनका मैंने बताया कि 2-2, 3-3 लाख रुपए का माल बिक जाता है। अब 2-3 लाख रुपए का माल बिक जाता है और ऐसे पूरे महीने भर के कई ग्राहक होते हैं, तो उनका पैसा तो कितना हो जाता है। अब मान लो कि उसने क्या है टोटल महीने के अंदर कोई 20 लाख रुपए का उधार माल बेचा, कैश होता है वो तो अलग होता ही है, जैसे टोटल उसके द्वारा 20 लाख रुपए का उधार माल बेचा गया। अब 20 लाख रुपए एक महीने के बाद में जो है वो पैसा आता, अगर वो एक हफ्ते के अंदर आ जाता है, मतलब एक महीने पहले ही आ जाता है, तो उसे व्यापारी को बेनिफिट है। व्यापारी को इसमें क्या क्या बेनिफिट है, एक बेनिफिट तो यह है कि जल्दी पेमेंट आने से व्यापारी भी अपने जो सप्लायर है जिनसे उसने माल खरीदा है उनको जल्दी पेमेंट कर सकता है, नहीं क्योंकि जल्दी पेमेंट आ गया तो उनको पेमेंट कर सकता है, क्योंकि उसका पेमेंट लेट आएगा तो वो भी लेट करेगा, तो व्यापारी की भी इमेज क्या मार्केट में खराब होती है, तो व्यापारी भी क्या करता है अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। तो व्यापारी के पास में पैसा जल्दी आ जाता है तो वो जल्दी पेमेंट कर सकता है, तो व्यापारी को भी छूट मिलेगी, क्योंकि वो जो बड़े होलसेलर है या कोई फैक्ट्री वाले हैं उनको पेमेंट करेगा जल्दी, तो वो भी क्या करेंगे उसके पेमेंट में थोड़ा बहुत कम कर देंगे क्योंकि वो जल्दी पेमेंट कर रहा है। दूसरा, इतना पैसा व्यापारी के पास में कैश में पहला आ जाता है तो और कहीं पर वो पैसा लगा सकता है, उसको पैसा कहीं से उधार नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा उधार लेता है बैंक से लोन लेता है तो उसको ब्याज देना पड़ता है, तो व्यापारी को इस प्रकार से अलग से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जल्दी पैसा आने से व्यापारी को इधर थोड़ा सा लॉस होता है कि उसने छूट दे दी, लेकिन व्यापारी को उससे दूसरे बेनिफिट हो जाते हैं कि वो ज्यादा मात्रा में माल खरीद सकता है, जल्दी पेमेंट कर सकता है, और पैसा आने से, टाइम पर पैसा आने से उसको क्या है कहीं पर लोन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि व्यापार में ऐसा बहुत होता है, अधिकांशतः व्यापारिक संस्थानों का जो पैसा है वो टाइम पर नहीं आता है, टाइम पर नहीं आता है और उनको पेमेंट करना होता है तो उनको लोन लेना पड़ता है, क्योंकि ये भी जरूरी है कि व्यापार में टाइम पर पेमेंट किया जाए, क्योंकि टाइम पर अगर पेमेंट नहीं किया जाता है तो व्यापारी की गुडविल मार्केट में खराब होती है। उसकी गुडविल खराब क्यों होती है, क्योंकि उसकी छवि बढ़ जाती है, जैसे
आप व्यापारी हो और आप किसी होलसेलर से माल लेकर आए और उसको कह दिया कि मैं 10 दिन में पेमेंट कर दूंगा, आपने क्या किया 20 दिन में पेमेंट किया, दूसरी बार लेकर आए तो भी आपने लेट पेमेंट किया, तो जिस होलसेलर से आप माल खरीद रहे हो उसके दिमाग में एक बात हो जाती है कि आप जो है टाइम पर पेमेंट नहीं करते, ठीक है, तो वो क्या, और मार्केट में भी आपकी संस्था के प्रति सबके दिमाग में ही बात बैठ जाती है कि उस व्यापारी के द्वारा टाइम पर पेमेंट नहीं किया जाता है तो वो आपको माल की सप्लाई कम करेंगे, उधार माल आपको कम बेचेंगे, तो आपको नुकसान हो गया। तो इसलिए मार्केट में ये सब चीजें क्या है रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक मिनट हेलो, यस सर। हाँ, वो स्क्रीन गायब हो गई थी, ये मेरे पास, मेरे को नहीं दिख रही थी ये। हाँ देखो, इसमें मैंने आपको कैश डिस्काउंट का बताया, इससे पहले मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट का बताया था व्यापारिक बट्टे के बारे में, तो दोनों डिस्काउंट के बारे में तुम्हारे को समझ में आ गया होगा। व्यापारिक बट्टा माल का विक्रय करते समय माल के विक्रय मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है, और नकद बट्टा भुगतान प्राप्त करते समय दिया जाता है, ठीक है। व्यापारी व्यापारिक बट्टे की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं करता है, उसको नहीं लिखता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है, नकद बट्टा है, इसको पुस्तकों में लिखेगा। इसलिए पुस्तकों में इसलिए लिखता है क्योंकि ये व्यापारी के लिए लॉस है, क्योंकि उसने पहले पूरे पैसे से, जैसे मैंने बताया था कि 6200 रुपए का माल बेचा था, तो उसने पुस्तकों में जो एंट्री की थी वो 6200 रुपए से की थी, और अब उसने 200 रुपए छूट दे करके 6000 रुपए प्राप्त किए जानबूझ करके, ग्राहक ने नहीं दिए, ग्राहक तो पूरे दे रहा था, लेकिन जल्दी पेमेंट करने के कारण, जैसे आप व्यापारी हो, आपने 200 रुपए कम कर दिए, 6000 रुपए ले लिए, तो अब आपके लिए 200 रुपए का नुकसान है, इसको नकद बट्टे के नाम से, कैश डिस्काउंट के नाम से दिखाओगे, ठीक है। तो ये आपके बट्टे के बारे में हो गया, तो व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा, ठीक है, इन दोनों डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बता दिए। अब देखो आपके आगे, देखो व्यापार में व्यापारी के द्वारा बहुत से काम किए जाते हैं, माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, पेमेंट दिया जाता है, लिया जाता है, खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, कोई इनकम है वो भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यापारी जो काम करता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं लेन देन, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लेन देन। तो इसमें
कि क्या लेन देन हुआ है। हुआ क्या है कि व्यापारी ने माल खरीदा है, कितने का खरीदा है, इतने का माल खरीदा, इतने का माल बेचा, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन। तो ध्यान रखना है कि इंग्लिश में हम इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं और हिंदी में हम लेन देन होते हैं। कि हुआ क्या है, माल खरीदा है तो हमारा जो लेन देन हुआ है वो परचेज का हुआ है, माल बेचा है तो हमारा ट्रांजेक्शन किसका हुआ है, सेल्स का। हमने क्या किराए का भुगतान किया है तो लेन देन क्या हुआ है, हमने किराया चुकाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होते हैं इनको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये क्योंकि मैं इंग्लिश में शब्द इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये शब्द हमारे काम आएंगे, तो ये आसानी से समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। तो व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो भी काम किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, चाहे माल के खरीदने का हो, बेचने का हो, उन सब को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं, लेन देन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, व्यापारी क्या करता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, चाहे माल खरीदा हो, चाहे बेचा हो, उधार हो, चाहे नकद हो, व्यापारी क्या करता है, इन लेन देनों को अपनी पुस्तकों में लिखता है। अपनी पुस्तकों में क्यों लिखता है, ये मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि कोई भी व्यापारी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो ये जानना चाहता है कि जिस व्यापार का संचालन उसके द्वारा किया जा रहा है उस व्यापार से उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए वो क्या करता है, इन लेन देनों को चाहे कैसा भी हो उन सब को अपनी पुस्तकों में लिख लेता है, जिनको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्योंकि पुस्तकों में लिखने से ही व्यापारी को मालूम चलता है अंत में कि उस व्यापार से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, टोटल इनकम कितनी हुई है, टोटल उसने कितने का माल खरीदा, नकद कितने का खरीदा, उधार का कितना खरीदा, जो माल बेचा है उसमें नकद माल कितना बेचा और उधार माल कितना बेचा। यानी कि व्यापारी जो भी मालूम करना चाहता है उन सब लेन देनों की, जिनको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, उनको मालूम कर सकता है, टोटल मालूम कर सकता है कि उसने पूरे वर्ष में टोटल माल कितने का खरीदा। जैसे व्यापारी ने टोटल माल है 2.5 लाख रुपए का खरीदा, तो उसमें उधार का कितने का था, नकद का कितना था, वो भी मालूम चल जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है। माल बेचा है तो उसने टोटल माल कितना बेचा, उधार माल उसने कितना बेचा और नकद माल कितना बेचा, ये सब भी वो पुस्तकों की सहायता से मालूम कर सकता है, क्योंकि ऐसे सारे जो ट्रांजेक्शन है वो पुस्तकों में लिखे जाते हैं। इसके अलावा बैंक के उसके ट्रांजेक्शन वो उसका भी मालूम कर सकता है कि बैंक में उसने कितना पैसा जमा कराया, कितना पैसा उसने बैंक से निकाल लिया, अपनी पुस्तकों में लिखता ही है। और वैसे तो वो बैंक से भी मालूम कर सकता है, लेकिन दोनों का मिलान भी किया जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि बैंक में पासबुक होती है, पासबुक से या बैंक से स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं आजकल, आजकल एटीएम से स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, ज्यादा बड़ा स्टेट होता है तो उसको बैंक में जाकर के निकलवा सकते हैं कि पूरे महीने में 10 दिन में 15 दिन में उसने बैंक में कब का पैसा जमा कराया, कितना जमा कराया और कितना पैसा निकाला, वो सब की डिटेल आ जाती है। और व्यापारी अपनी पुस्तकों में तो एंट्री करता ही करता है, बैंक से और मालूम कर लेता, दोनों में सेम होना चाहिए। अपनी पुस्तकों में जो एंट्री किए है उसके अनुसार बैंक में उसका जो पैसा जमा है वो मान लो है 42,000 रुपये, 42,000 रुपये डिपॉजिट उसने जब खाते तैयार किए तो उसने पैसा जमा कराया, निकाल लिया, अब उसने मालूम किया कि अब हमारा बैंक में बैलेंस कितना है, क्योंकि ये जरूरी होता है व्यापारी के लिए। कई बार क्या है, चेक हम देते हैं, किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है और उसको पेमेंट करना है 40,000 का, तो पहले ये देखना जरूरी है कि बैंक में हमारा इतना बैलेंस है या नहीं, क्योंकि अगर हम ये मालूम नहीं करेंगे तो हमारा चेक डिसऑनर हो जाएगा, चेक डिसऑनर हो जाएगा तो एक तो पेनल्टी लगेगी, दूसरी मार्केट में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि जितने का हम चेक दे रहे हैं या जितने का पेमेंट करने वाले हैं हम बैंक के माध्यम से, उतना पैसा हमारा बैंक में मौजूद है या नहीं है, इसलिए हम ये सारा सब कुछ है मालूम करते हैं। तो हमारी पुस्तकों के अनुसार 42,000 रुपये बैंक में जमा है, अब हमने बैंक से भी स्टेटमेंट निकलवा लिया, तो
तो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया या बैंक से मालूम किया तो उसमें भी 42,000 होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, जब मालूम किया तो बैंक में जो पैसा है वो 35,000 रुपये ही जमा था। बैंक में हमारा जो बैलेंस है वो कितना था, 35,000 रुपये। जबकि हमारी पुस्तकों के अनुसार है वो कितना पैसा जमा होना चाहिए, 42,000। तो फिर ये गड़बड़ी कैसे आई, क्योंकि अगर हम ऐसे मालूम, इस गड़बड़ी का मालूम चल जाता है क्योंकि हम ये मालूम करते हैं, ये तो मालूम करते हैं कि बैंक में कितना पैसा जमा है, लेकिन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए। हमारी पुस्तकों के अनुसार बैंक में 42,000 जमा है, तो बैंक में भी एक्चुअल में 42,000 ही होना चाहिए। लेकिन जब हमने बैंक से मालूम किया तो मालूम चला कि बैंक में हमारे 35,000 रुपए ही जमा है, 7,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब क्यों हुआ, अब ये गड़बड़ी क्या हुई कि हमने किसी कर्मचारी को पैसा देकर के भेजा था। बहुत बार होता है, क्योंकि बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है, वो क्या करते हैं अपने किसी कर्मचारी को भेज देते हैं। लेकिन कई कर्मचारी क्या है, गड़बड़ी कर लेते हैं। आपने क्या है उस कर्मचारी को पैसे दे करके भेजे, ठीक है, आपने उसके आपके पास में जो पैसा आया, मान लो इसमें डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 7,000 रुपये का। उस ग्राहक को, वो आपके कर्मचारी को आपने 17,000 रुपये जमा कराने के लिए दिए कि ये बैंक में जमा करा के आ जाओ। उस कर्मचारी ने क्या किया, उसको जरूरत थी, उसने क्या किया, 7,000 रुपये की 7,000 रुपये तो उसने जेब में रख लिए और 10,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, और व्यापारी को आकर बोल दिया कि हाँ जमा करा दिए। उसने क्या सोचा कि जब मेरे पास पैसा आएगा बाद में जमा करा दूंगा, या उसकी नीयत खराब थी, कुछ भी हो सकता है। यानी कि पैसा जितना जमा कराना था वो कर्मचारी ने एक्चुअल में उतना पैसा बैंक में जमा नहीं कराया, लेकिन आपने तो पैसा जमा कराया था, आपने तो अपनी पुस्तकों के अंदर 17,000 रुपये लिख दिए कि 17,000 रुपये बैंक में जमा कराए। जब बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया तो फिर मालूम हुआ कि बैंक में तो 10,000 रुपये जमा हुए। तो फिर आपको क्या है, वो जो गलती हुई है, कर्मचारी ने गड़बड़ी की है, उस गड़बड़ी का मालूम चल गया आपको, तो आप क्या है उस कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हो कि उसने ऐसा क्यों किया। तो कई कर्मचारी तो जानबूझ करके ऐसे करते हैं कि जमा नहीं कराना पड़े, जबकि मालूम है ये चीज पकड़ी जाएगी। और कुछ क्या करते हैं, ऐसे भी करते हैं, सोचे कि अभी उसको अभी पैसे की जरूरत है, बाद में मेरे पास पैसा आएगा मैं जमा करा के आ जाऊंगा, लेकिन उसके पास में पैसा नहीं आया या जमा कराना भूल गया। उससे पहले ही व्यापारी ने मालूम कर लिया बैंक से कि बैंक में जो पैसा है कम जमा हुआ है। तो पुस्तकों में लेन देनों का लेखा करने से यह फायदा होता है कि हमारा पैसा बैंक में हमारी पुस्तकों के अनुसार जितना है, हमारी पासबुक के अनुसार भी उतना ही होना चाहिए। तो व्यापारी क्या करता है, रेगुलर इनका भी मिलान करता रहता है। व्यापारी क्या करता है, ऐसे जो लेन देन होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका बैंक से ट्रांजेक्शन से मिलान करता रहता है हर हफ्ते 10 दिन में, क्योंकि बड़े व्यापारियों के ट्रांजेक्शन एक एक दिन में ही लाखों की संख्या में होते हैं। रोजाना पैसा आता रहता है, जाता रहता है, आज पैसा जमा कराया, दूसरे दिन किसी को पेमेंट कर दिया, कई बार तो एक ही दिन में ऐसा हो जाता है। और इतना पैसा आता है तो व्यापारी अपने व्यापार में रखता है, पैसा रोज जमा कराते हैं वो कि पेमेंट आ गया 1,50,000 रुपए, उससे आ गया 70,000 रुपए, उससे पैसा आ गया, तो व्यापारी उस पैसे को व्यापार में नहीं रखता है और तुरंत उसको बैंक में जमा करा देता है। तो हमेशा व्यापारी नहीं जाता है, अपने बहुत से कर्मचारी होते हैं उनको दे देता है, हालांकि वो विश्वास पात्र को देता है, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि उसमें कई बार क्या है, उनके द्वारा भी इस प्रकार की धोखाधड़ी कर ली जाती है। तो अगर ऐसी धोखाधड़ी की गई है तो वो भी मालूम चल जाएगा, इसलिए व्यापारी के द्वारा पुस्तकों में लेखा किया जाता है। तो अभी मैं बता रहा था आपको ट्रांजेक्शन की, कि व्यापारी क्या करता है, व्यापार में कोई भी लेन देन होता है उन लेन देन को लिखता है, ट्रांजेक्शन पुस्तकों में लिखता है। लिखने को हम बोलते हैं एंट्री, लिखने को हम क्या बोलते हैं, एंट्री करना, यानी कि प्रविष्टि करना। कोई भी लेन देन हुआ, जैसे आपने किसी ग्राहक को उधार माल बेचा, आपने क्या है किसी ग्राहक को 7,000 रुपए का माल बेचा, आपने क्या है
उस ग्राहक के नाम से पुस्तक में लिख दिया। ठीक है, अब कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे, तो अभी तो मैं आपको शब्द बता रहा हूं कि इनको हम क्या बोलते हैं। तो आपने पुस्तकों में लिख दिया, लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना, एंट्री यानी कि प्रविष्टि करना। और हमारा लेन देन क्या था, माल बेचा था, उसको हम ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, सेल का, विक्रय का। तो आपने माल बेचा था, उसकी आपने पुस्तकों में एंट्री कर दी है। ठीक है, तो ऐसे व्यापार में ये ट्रांजेक्शन होते हैं और पुस्तकों में उसको लिखते हैं, लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना। ठीक है, अब आपके जो मुख्य मुख्य जो शब्द हैं वो तो आपके आ चुके हैं, मेन मेन जो आपके ज्यादातर जो काम में आते हैं या शुरुआत में आएंगे, जैसे आपको मैंने बताया कैपिटल है, स्टॉक है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, इनके बारे में मैंने आपको बताया, गुड्स परचेज, सेल्स परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, आपके डिस्काउंट, ठीक है, और आपके ये ट्रांजेक्शन और एंट्री, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया जो शब्द आपके काम में आएंगे बाद में, क्योंकि हम पुस्तकों में कैसे लिखते हैं उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो ये शब्द आपके जो मेन है ये आ गए हैं। अब पुस्तकों में हम कैसे लिखते हैं, लिखने के कुछ नियम होते हैं जिनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई भी माल खरीदा बेचा हमने डायरेक्ट लिख दिया, कि मैंने बताया था कि हम जो पुस्तकें तैयार करते हैं उसके दो विधियां हैं, महाजनी पद्धति और दोहरा लेखा पद्धति। तो हम दोहरा लेखा पद्धति डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में सारा काम अंग्रेजी में किया जाता है और लेखा करने के निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। तो पुस्तकों में हम कैसे लिखते हैं उसके नियम और सिद्धांत क्या होते हैं, और तो उन नियमों और सिद्धांतों के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज अपने दो तीन दिन से ये यही शब्दों का चल रहा था कि इनको हम क्या क्या बोलते हैं, किस नामों से संबोधित करते हैं। तो कल वो सिद्धांत मैं आपको कल बताऊंगा। दोहरा लेखा पद्धति, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, डबल एंट्री सिस्टम, ये आपके जो खाते होते हैं अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, और रजिस्टर होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्यों बोलते हैं दोहरा लेखा पद्धति, क्योंकि इसमें क्या है, दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष डेबिट होता है और एक पक्ष क्रेडिट होता है। डेबिट जिसको हिंदी में बोलते हैं नाम, और क्रेडिट इसको बोलते हैं जमा। इस प्रकार से आपके ये क्या है, दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो कोई भी लेन देन होता है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, दो पक्ष हो गए, एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो एक को तो हम डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे। तो कल मैं आपको यही बताऊंगा कि किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, कैसे करेंगे, उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज अपनी जो क्लास है अपने यही तक है, तो आपके लिए इतना ही देख लेना। तो कल आपको जो नियम है वो आपको बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, तो हेलो, कुछ कहना था क्या? यस यस सर, हाँ बोलो सर। मैं ऐसे बोल सर को ऐसे बोल दो रवि कुमार को ग्रुप में जोड़ ले। क्या हुआ ग्रुप में?
बुक में ग्रुप में, ग्रुप में जोड़ लो। अच्छा ठीक है कर लूंगा ये।